चुनाव होने वाले हैं इस बार, बीजेपी ने वादा किया है अब की बार 400 पार जाएंगे, तो क्या लगता है अपना वादा निभा पाएंगे? बिल्कुल, हमारे को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी केंद्र में, और जो हमारा पार्टी का जो वो है वादा है कि अब की बार 400 का पार, 400 बिल्कुल हम सीट पाएंगे। और हमारे जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जनता के पास सीधा जिनको लाभ हो रहा है, लाभार्थी इस टाइम पूरा हमारा साथ दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा विश्वास है। और ऐसी उम्मीद है कि इस बार मैं इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में हूँ, मैं गिरीश बलूनी उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ भाजपा का पूर्व संयोजक हूँ और दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने पूरे साथियों के साथ, हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं, सब ने यहाँ घर घर जाकर के जगह जगह हम जा रहे हैं, तो हमें बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है और ख़ासकर युवाओं का और हमारी जो मातृशक्ति महिलाओं का जो है पूरा हमें सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित सरकार बनेगी, 400 का आंकड़ा हम पार करेंगे। और ख़ासकर जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो 5 कमल जो है उत्तराखंड से खेलने वाले हैं, उसमें प्रथम रूप से जो कमल खेलेगा, भारी मार्जिन से जो विजय होंगे, हमारे परम आदरणीय अजय भट्ट जी यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं 400 पार, लोग कह रहे हैं, ये लोग इतने अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि वोट में कोई घपला हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी जो है हमारे उन विपक्षी लोगों की हो सकती है। कोई ऐसा घपला उपला कुछ नहीं है, जनता का बिल्कुल स्पष्ट जनादेश हमको मिल रहा है। और जो है पार्टी का एक रणनीति होती है, पार्टी भी अपना सर्वे कराती है जगह जगह, हम लोग जैसे मैं खुद भी जा रहा हूँ जगह जगह, तो लोग जो इस क्षेत्र में, मैं खासकर जो है नैनीताल उद्यम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में, हमें लगभग जो है 85% वोट इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो इसी आंकड़े के अनुसार सब लोगों के देश में यही है कि लगभग 80% से ऊपर वोट जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो जन उसके आंकड़ों के हिसाब से 400 पार हम जरूर होंगे। विपक्ष पार्टी से आपका कौन सी पार्टी को बोल रहे हैं विपक्ष? विपक्ष पार्टी देखिए, नहीं देखिए, मैं विपक्षी पार्टी, देखो लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने, ये नहीं कहते कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, हमारी केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है, बहुत सारी योजनाएँ हैं, आयुष्मान, जो सबसे पहले तो इंसान स्वस्थ जीवन पाना चाहता है, तो आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की, बहुत सारी योजना हमारी है, क्योंकि इस बार जो है अभी हम तो चुनाव में दौड़ रहे हैं, लोगों के पास समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः जो है तीसरी बार सरकार बन रही है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है विश्वगुरु बनेगा, और आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत, वो दिन दूर नहीं है जब हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे और विश्व में हमारा नाम होगा। थोड़ा सा दिल्ली की तरफ चलते हैं, अभी दिल्ली में केजरीवाल जी को जेल हुई है शराब घोटाले के मामले में। देखिए, केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कोर्ट कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वहां पे भाग लिया था, साथ दिया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी वहां पे जो है राजनीतिक चाल चली और अन्ना हजारे जी का आंदोलन को अधिकृत करके और एक नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा था कि मैं देश में एक नया राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहता हूँ, मैं कोई भी सरकारी सुख सुविधाएँ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जग जाहिर है कि केजरीवाल जी का जो निवास है, आवास है, वो डिजिटल से परिपूर्ण है, इतना सुंदर सी स्मेल कहो आप, उन्होंने आवास बनाया है। तो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो करते रहें, हमारा मुद्दा और हमारा जो ध्येय मकसद केजरीवाल के ऊपर नहीं, हमारा मुद्दा है कि भारतवर्ष को हम विश्वगुरु बनाएं, भारत को विश्व मानस में, विश्व में मानस पटल जो हमारा विश्व स्थान होगा वो विकसित राष्ट्र के रूप में होगा और हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। और आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जो हमारे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने में कहा था कि अगर धारा 370 हटेगी तो वहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, तो आज तो वहाँ विकास की गंगा बह रही है। अच्छा, आप उन लोगों क्या बोलेंगे जो लोग बोल रहे हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं ले रहे हैं। मोदी जी ने हमारा स्पष्ट जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम चल रहे हैं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। अगर हमने राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो लाखों करोड़ों भारतीय वासियों की एक आस्था थी, 500 वर्षों से हम देख रहे थे कि कोई मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहा था,
था, और हमारे जो विपक्षी लोग हैं उसको जोड़ रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की राजनीति कर रहे हैं, और हमारा देश संस्कृति का देश है, हम जगह जगह जहाँ हमारे मंदिर है, जहाँ निर्माण हो रहा है, वो हमारी राजनीति कोई ऐसा ध्येय नहीं कि हम राजनीति के लिए निर्माण कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं सभी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और सारे हिंदुस्तान में जो लग रहे हैं वो हिंदुस्तानी हैं।